अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त, सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो आज हम फार्म पे देखते हैं क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। मैं दो दिन बाद फार्म पे आया हूँ, तो फार्म की विज़िट करते हैं, जानवरों को देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है मुझे पता लगी हैं कि कुछ जानवरों को टिक्स की प्रॉब्लम थी और कुछ रेप्टाइल्स के फूड का इशू आ रहा था। तो आज हम वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलाएं फिर चलते हैं। आ जाएं चलते हैं। बॉयज ये उदास क्यों है इतनी? पता नहीं फैसल भाई, पूछो जरा इससे। बॉयज देख यार, इसको टिक्स भी लगे। मैं टिक्स फिर आ गए हैं इसको। टिक्स फिर आ गए यार, तीन चार टिक्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। तुमने देखा नहीं इसको? नहीं अभी तो नहीं देखा। इधर आओ देखो, ये देखो। नहीं वो मक्खी है। ये देख मॉइज की है टिक्स कमर पे है। ये देख एक टिक, ये इधर आएगी। इधर दो तीन टिक्स हैं, वो देख के दो इस पे टिक्स आए हैं। मैं दो तीन आ गए। अब इसको कौन सी दवाई लगाएं? इसको वही लगाते हैं जो बड़ी है इसकी, टिक्स की जो दवाई होती है। टिक्स की दवाई लेके आओ भाई। यार इसको यार उदास क्यों है मोइस? वैसे ही यार। लेकिन ये उदास लग रही है आज काफी। नहीं ठीक है वे। यार ये मार रही है, दुम मार रही है मोइस। कुछ नहीं कहती फैसल भाई, ऊपर बैठा इसके साथ। नहीं यार ये उदास उदास है मोइस, इससे पूछो क्या हुआ। दियाना क्या हुआ? दियाना क्या हुआ? ऊपर बैठो ना उसके पास, कुछ नहीं कहती। नहीं मोइस मुझे डर लग रहा है। इधर बैठ जा। जितनी साइलेंट है ना ये कुछ करेगी। मोइस ये क्या कर रही है? खेल रही है फैसल भाई, और क्या कर रही है? ऐसी ना कर यार। मोइस ये क्या कर रही है? आपको मिस कर रही है। ये दवाई लगाने लगी है इसको। ये कान पे भी लगा। हाँ इसको उतारते हैं, इसको उतारने नहीं है यार। ये मुंह बना रही है। वो वाला वो कर लम्बा वाला। हाँ कर कर पीछे से। ये मुंह बना रही है यार। नहीं बना रही है। देख मुंह बना रही है। नहीं बना रही फैसल भाई। ये देख ये देख यार, ये मेरी तरफ देख रही है। नहीं बना रही मुंह। ये देख ये देख यार मोइस, तू कह रहा नहीं। आप तंग कर रहे हो उसको यार। मोइस मुझे तो डर लग रहा है भाई। मैं तो सेफ्टी के लिए कुछ लेके आऊंगा साथ। मैं तो कुर्सी लेके आ रहा हूं भाई। कुर्सी से क्या होगा फैसल भाई? मोइस शायद थोड़ी सी बचत हो जाए। ताले दियाना। मोइस ये देख दियाना। ओए दियाना देख किधर किधर है यार। बस ये कितनी देर में काम कर जाएगा स्प्रे? यार ये 10-15 मिनट लगेंगे, ये उतर जाएंगे। ये बताओ ना ये क्या स्प्रे है, ये देखने वालों को ये बताओ। नो दियाना नो नो। इसके अंदर क्या है मोइस? इसके अंदर पानी है, साथ वो पाउडर मिलता है एक। नाम नहीं बताओगे? नाम नहीं पता ना। अच्छा नाम नहीं पता। पाउडर होता है वो पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो उससे ये हमारे वीडियो बनाते जो आराम है से प्यार करके उसको करो ना, एकदम ना ना करो। प्यार करोगे तो वो प्यार करवाएगी ना, ऐसे थोड़ी होगा। ये ले। नहीं लगाऊ। अच्छा चल नहीं कर। ये ले। दियाना। ओए। ये ले। बस। तो ये अब उतर जाएंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे? नहीं उसके बाद फिर नहीं आते, एक दफा उतर जाए ना तो फिर किसी वजह से ही आते। कोई मसला नहीं होगा? नहीं नहीं इसका कोई इशू नहीं है। ये हम देखने वालों को इसका नाम पढ़ के ना मेडिसिन का बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन है। अगर इसको किसी को पता है कि इसके अंदर कौन सी दवाई टिक्स की लगाई जाती है तो देखने वाले कमेंट में हमें बताएं कि इसमें कौन सी मेडिसिन जो टिक्स के लिए यूज होती है, कौन सी मेडिसिन यूज होती है। दियाना। दियाना। ए। अब ये कान वाला जो है यार ये मुश्किल हुआ है। दियाना। ये लग गया, काफी लग गया। ये हमने किस दिन लास्ट टाइम भी तो इसको टिक्स आए हुए थे ना।
तकरीबन दो तीन महीने। यार ये वैसी कीड़े होते हैं, ये कमरे में ना जगह जगह घुस जाते हैं, तो वो फिर जब निकलते हैं ना तो वो फिर जानवरों पे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये गोश्त की वजह से तो नहीं है? नहीं, गोश्त की वजह से भी हो सकते हैं, खून की वजह से जो मुर्गी का खून निकलता है यहाँ पे। तो अब ये ओके हो जाएगा? हाँ, ये इंशाल्लाह दो तीन दिन में, दो तीन दिन कह रहा हूँ, 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, ये ओके हो जाएंगे। ये ले गुस्से में आई भी आप, अच्छा। तंग कर रहे हो आप उसको। अच्छा अच्छा, ये क्या चाह रही है मोइस? ये आपको पकड़ना चाह रही है। नो, प्यार करेगी आपके साथ, गले मिलेगी आपको। मोइस अब इसको टिक्स का कर दिए, ये चेकिंग हो गई। आज एक और दो जानवरों की चेकिंग करनी है, क्योंकि दो दिन नहीं है तो उनको भी देख ले, उनका भी है ये मसला, एक आधा छोटा छोटा से इसी तरह टिक्स का या किसी चीज़ का, उनको देख लें। बाकी तो हेल्थ में माशाल्लाह ओके है, तो टिक्स का मसला देख लिए, अब आगे चलते हैं। मेडिसिन भी लगा दिया इनको, चलो अब चलते हैं फिर बाहर। 7-7 राउंड भी हो जाएगा ना? हाँ जी, चलो चलो। और क्या मसला या क्या काम होने वाला है? नोइस ये देख, इस कमरे में भी सुना था मसला आ रहा है, काफी गंद था और अंदर ना इसमें भी टिक्स का इशू आ रहा था। केमिकल से वॉश करवाया, धोया नहीं हाली, नॉट ओनली वॉश, इसको जो है केमिकल डलवा के ना इसको अच्छे से वॉश किया है। वो देखें दोस्तों कैसे उसने मुंह खोला था। सारे कमरे बाहर की सफाई हो चुकी है, पानी अब ये बाहर से सारा झाड़ू लगा है और इनके टोटली क्लीनिंग हुई है। जानवर अभी बंद है, ये बच्चों के साथ मादी अंदर ही है, ये बाहर आने को अभी भी तैयार नहीं, तो और थोड़े दिनों में इसके बच्चे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम फिर बाहर भी निकालेंगे। आज सारे के सारे जानवर जो है पिंजरे के अंदर है, क्योंकि सबकी सफाई हो रही थी इसलिए सबको अंदर हमने रूम में बंद किया था। देखने तो अभी सफाई हो के तो फिर इसको खोल देंगे, सारे जानवर बाहर खोल देंगे। ये देखें, ये भी अंदर बंद है, बंद भी देखे ना, ये सारे जानवर बंद है, ये सिर्फ अकेली बाहर है। देखने वाले हमें ये भी बताया करें कि हमें क्या नया करना चाहिए, क्या जानवरों के साथ कुछ वीडियो बनाने में या किसी भी मामले में, सफाई के मामले में कोई बेहतरी के लिए कोई मामला किए जाए तो हमें कमेंट में बताया करें। ये हमारी जो है मैक्सिम पिटबुल, ये दरवाजे पे ड्यूटी दे रही होती है। अरे क्या क्या, इसके बच्चे नहीं आए अभी? इसके बच्चे बस जल्दी हैं, इसके बच्चे आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी सिक्योरिटी करती है, यहाँ पे ध्यान रखती है गेट पे, किसी को अंदर नहीं आने देती। हेल्थ में भी माशाल्लाह ये फुल गोलू मोलू है, खाती पीती इंजॉय करती है। इसका इधर हम घर बनाएंगे बहुत जल्द, 2-3 दिनों में इसका इधर सर्दियों के लिए घर बन जाएगा। छत को कवर कर देंगे, नीचे पराली होगी और वहाँ से ये देखा करेगी ऊपर चढ़ के कौन बाहर आया। तो यार वो सांप वगैरह किधर पड़े हैं, जो सांप था भाई? मोई सांप देख रहे हैं, सांप था और वो जो लिजर्ड थी एक वाना, वो किधर है? वो भी दिखाना चाह रहे हैं, वो भी दिखाते हैं ना अपने दोस्तों को। जो इगुआना थी वो हमने फार्म पे शिफ्ट कर दी थी, इगुआना फार्म पे शिफ्ट कर दी थी ना। ये रही इगुआना, ये देख एक वो भाग गई दोस्तों। ये देखिए ब्लू ऑरेंज, ये येलो कलर में है और ये ऑरेंज है, वो ग्रीन ब्लू मिक्स होती है। तो ये सब अपनी स्किन चेंज कर रहे हैं, तो इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। हाथ से साफ होना शुरू होगी, इसका ब्लू एंड नजर आ रहा होगा आप सबको और ऑरेंज का ऑरेंज नजर आ रहा होगा, तो बहुत जल्दी ये कलर अपना चेंज कर देंगी, फिर आपको उसकी अपडेट दिखाएंगे कि कलर चेंज करके कैसी लगती है। तो ये देखें, ये इधर बल्ब भी लगाया है इनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो बाकी ये देखें, ये अंदर देखने वालों को ये भी बता दें, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनको जो है सर्दी पसंद नहीं, ये 30 टेम्परेचर पे मेंटेन रखना पड़ता है कि बाहर जो भी टेम्परेचर हो लेकिन इनके इनक्लोजर के अंदर इनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहना चाहिए, वरना ये मर जाते हैं। तो इनको हमने कंट्रोलर लगा के, ये कंट्रोलर लगा हुआ है इसका, तो टेम्परेचर अंदर फिक्स रहता है,
और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहने से ही ये सरवाइव करती है, वरना ये डेड हो जाएंगी। फसल भाई वो जो स्नेक था वो किधर है? स्नेक नीचे है। अभी स्नेक दिखाएं। स्नेक अभी नहीं यार, आज नहीं स्नेक दिखाना, स्नेक कल दिखा देंगे। स्नेक दिखाएं फिर क्या कहते हो? कल दिखा देंगे। एनक्लोजर के अंदर दिखा देते हैं। चलो आज मुझे ये दिखाओ ना, ये जो स्टफ एनिमल है, ये जो लगे हुए हैं, ये कौन कौन से हैं और ये कैसे कैसे हैं, कहां कहां से आए हैं? इनके बारे में बता दिया जाए कि नेचुरल डेथ के साथ मरे हैं। जो जानवर फार्म पे नेचुरल डेथ के साथ मर जाता है उसका स्टफ होता है। ये नेचुरल डेथ के साथ मरे तो उसके बाद इनकी खालों के ये स्टफ बनाए गए। तो इसको क्या कहते हैं? ये है ब्लू बुल, नील गाय। ये नील गाय है, ये जो है बड़ा प्यारा और बड़ा हिरन में सबसे ऊंचा जानवर है एंटीलॉप्स में। ये तकरीबन 6 फुट तक ऊंचा होता है, आपके जितना यानी? हाँ तकरीबन इतना होता है, हाइट में इतना होता है। तो ये उसका स्टफ है। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये उरियाल है। उरियाल ये भी पाकिस्तान में चिकवाल में पाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी उरियाल है, ये दोनों अलग अलग। ये क्या है फैसल भाई, ये जो तोता है? ये सन क्लोज है। इनको क्या हुआ था? ये मेरे दोस्त के घर में उसका शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसमें ही कुछ परिंदे डेड हो गए थे तो उनको स्टफ करवाया था। तो जो मर गए हैं जानवर उनको ब्यूटी के तौर पे या वैसे ही डेकोरेशन के तौर पे इंफॉर्मेशन के कि कौन सा बर्ड है, इजी है बताना कि ये सन क्लोज है, उसका साइज और उसकी शेप आपको समझ आ जाएगी कौन सा बर्ड। और इसके साथ जो है वो कौन सा? इसके साथ है ग्रीन विंग मकाओ। इसको क्या हुआ था? ये बच्चा है छोटा, 7 माह का बच्चा था, 6 माह का। तो ये इसको फॉलिज हो गया था, फॉलिज का अटैक हुआ था। एक दफा सरवाइव के बाद ये दोबारा जो है एक अटैक में ये डेड हो गया। और इसके अलावा? इसके अलावा ये ईगल है, ये हमें डेड कहीं से मिला था तो हमने इसको उठा के इसका इसका भी स्टफ करवाया। तो ये आगे ये है पारा हिरन। नहीं ये बीच में जिराफ है। ये ज़ेब्रा है। अच्छा ये ज़ेब्रा है। ये ज़ेब्रा है। तो ये भी नेचुरल डेथ पे मरा था तो इसका भी स्टफ हुआ। ये हॉग डियर है, हॉग डियर। ठीक है। बड़ा प्यारा होता है, साइज में भी छोटा होता है लेकिन बड़ा। इसको क्या हुआ था? ये भी कहीं से नेचुरल डेथ में आया था, इसको भी वहीं से स्टफ किया था। और ये लाइन जो है इसको क्या हुआ? लाइन को एक एलर्जी की प्रॉब्लम हुई थी, बीमार हो गया था तो ये सरवाइव नहीं हुआ। इसके सारे बाल देख सकते हैं कि उतर गए, इतने नहीं होते, इतने बाल होते। इसको मसला हुआ था जिसमें मर गया था। और ये जो पीछे मंकी पड़ा, ये मंकी भी डेड बॉडी से ही बनाया गया है। ये चिंकारा है और ये काला है। और ये टाइगर, ये भी एलर्जी हुई थी इसको बॉडी पे तो ये डेड हुआ। तो ये है दोस्तों, ये देखें एक बोलता है तो सारे बोलने लग जाते हैं। ये देखें आपको आवाज आ रही होगी सबकी, सारे बोलते हैं एक टाइम पे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगाह करते रहा करें कि आपको क्या चेंजिंग्स, क्या चीजें और क्या आप इधर और चेंजिंग्स चाहेंगे, कि क्या करना चाहिए वीडियोस में, क्या देखने हैं आपको। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।